नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और उसके अंदर जो कोलाइडेशन है ना कोलाइडी अवस्था उसके अंदर एक टॉपिक है हाइड्रो सुलजे का नियम इसी को हम लोग पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों बता दें कि ये एग्जाम की दृष्टि से कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ये टॉपिक पूछा जाता है, चाहे पिछले 10 साल का पेपर उठा के क्यों ना देख लें, ठीक है, उसमें आपको ये जरूर किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। दो चीजें हैं, या तो नियम पूछ लेगा या तो इनका उदाहरण पूछ लेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए क्या है नियम, नियम को समझिए। नियम जल्दी याद नहीं होता है, मैं कोशिश करूंगा याद कराने की। देखिए पहली बात, ये नियम किस लिए बना है, तो ये किसी भी कोलाइडी विलयन में घुले हुए कणों को मारने के लिए बना है, मतलब उदासीन करने के लिए बना है। देखिए उदासीन जब ये हो जाएगा, ये कोलाइडी विलयन है कोई, ठीक है, ऐसा कोलाइडी विलयन है जिसके अंदर जो घुले हुए कण है ना वो आवेशित है, चाहे उन पर धनावेश है चाहे उन पर ऋणावेश है। तो ये कोई कोलाइडी विलयन है जिसमें ये धनावेशित ऋणावेशित कण घुले हुए हैं, अब इनका स्कंदन करना है और इसके लिए हाइड्रो सुलजे का नियम आएगा। तो देखिए हाइड्रो सुलजे का नियम दो है, पहला नियम दूसरा नियम। पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है, आपको याद नहीं होता जल्दी कोशिश करिए याद करने की और समझने की, ठीक है। मतलब पहले नियम में क्या कहेगा, कहेगा कि अगर इस कोलाइडी विलयन में अगर हम ये वैद्युत अघट मिलाएंगे ना, तो इस वैद्युत अघट में चाहे धन आवेश होगा चाहे ऋण आवेश होगा, मतलब दोनों होते हैं, वैद्युत अघट में दोनों होते हैं, लेकिन इसके अंदर जाने के बाद चाहे तो धन आवेश वाला ज्यादा हावी होगा चाहे तो ऋण आवेश वाला ज्यादा हावी होगा। कौन ज्यादा हावी होगा, ये वही ज्यादा हावी होगा जिसके उल्टे आवेशित वाले कण इसमें ज्यादा होंगे, मतलब इसमें धनावेशित वाला भी रहेगा ऋणावेशित वाला भी रहेगा। इसमें जाने के बाद, इस पूरे विलयन में जाने के बाद, इसमें का या तो धनावेशित वाला प्रभावित होगा या तो इसका ऋणावेशित वाला इसमें प्रभावी होगा। ध्यान से सुनिए क्या होगा, हाइड्रो सुलजे ने बताया था वही नियम पहला है। देखिए क्या है इस नियम में, देखिए याद करते हैं उसको, किसी कोलाइडी विलयन में मिलाए गए वैद्युत अपघट्य का वह कण ज्यादा प्रभावी होगा जिस पर आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होगा। यही लिख लीजिए, नोट बना लीजिए और यही याद करिएगा, यही लिखिएगा, 100% सही होगा, ठीक है। फिर से सुनिए, नहीं याद हुआ तो, किसी कोलाइडी विलयन में मिलाए गए वैद्युत अपघट्य का वह आवेश ज्यादा प्रभावी होगा जिस पर आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होगा, ठीक है। चलिए हो गया पहला नियम, अब देखिए आगे, आगे देखिए दूसरा नियम, ठीक है, बस इतना लिख के छोड़ देंगे सही हो जाएगा। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या बताया था हाइड्रो सुलजे ने, हाइड्रो सुलजे ने दूसरा नियम जो बताया उसको पहले समझ लीजिए, व्यवहारिक तरीके से समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा, लिखने की भी भाषा में बताऊंगा। देखिए इन्होंने कहा था कि अगर इसको मिलाएंगे ना, इसमें अगर इसको मिला देंगे तो इस बेचारे की औकात जितनी है उतने लोगों को मारेगा, मतलब अगर ये है NaCl तो Na पे प्लस आता है Cl पे माइनस आता है, Mg पर डबल प्लस आएगा Cl पे डबल माइनस आएगा, ये आप ऑक्सीकरण अवस्था में पढ़े होंगे, ठीक है। ये देखिए अगर इसको मिला दिए इसमें तो ये तीन तीन पैदा करेगा, एल्युमिनियम पर 3 प्लस आ जाएगा और Cl पर 3 माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको डाल देते हैं इसमें तो ये अकेला में 4 पैदा करेगा प्लस और 4 पैदा करेगा ये माइनस, ठीक है, 4 माइनस। अब देखिए अगर ई गया तो ये 4 लोगों को मारेगा, हाई वाला, कहें कि इसके ऊपर अकेला में 4 प्लस है, ई अगर इसमें गया तो ये 3 लोगों को मारेगा, चाहे प्लस वाले को मारेगा चाहे माइनस वाले को मारेगा। अगर ई चला गया तो ये 2 लोगों को मारेगा, ई गया तो 1 लोगों को मारेगा, मतलब दूसर का जो नियम है ना उसमें यही बताएं हाइड्रो सुलजे कि जिसकी जितनी औकात है वो उतने मारेगा, मतलब मारने की क्षमता डायरेक्ट समानुपाती होती है किसके, आवेशों की संख्या की। इसकी क्षमता ज्यादा होगी, इसकी क्षमता थोड़ी कम होगी, इसकी क्षमता एकदम कम होगी, ठीक है। अब देखिए दूसर का नियम सुनिए इनका, ये कहते हैं कि किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता उसके आवेशों की संख्या के समानुपाती होती है, बस यही दूसरा नियम है। पहला नियम फिर से सुनिए, किसी कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए, थोड़ा बदल दिया, किसी कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए उसमें मिलाए गए वैद्युत अपघट्य का वह आयन ज्यादा प्रभावी होगा जिस पर आवेश कोलाइडी कणों के आवेशों के विपरीत होगा। दूसरा क्या है, किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता उसके आवेशों की संख्या के समानुपाती होती है, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे प्लस वाला तो आप देख ले उदाहरण ऊपर, माइनस वाला दिखाते हैं। देखिए PO4, ठीक है, PO4 पर कितना माइनस होता है, 3 माइनस होता है, PO4 अकेला जाएगा ना 3 लोगों को मारेगा, उसके बाद इसकी क्षमता ज्यादा हो गई। अगर देखिए बात करते हैं अगर Cl की Cl अकेला में 1 माइनस रखता है तो ये अकेला 1 लोगों को मारेगा। यहाँ पर कोई ऐसा लेते हैं जिसके पास 2 माइनस आ जाए, कौन ऐसा जिसके ऊपर 2 माइनस आ जाए, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, अब सल्फर आ गया, ऑक्सीजन भी 2 रखता है सल्फर भी 2 रखता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस है, 1 लोगों को मारेगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है, 2 लोगों को मारेगा, इसके ऊपर 3 है, 3 लोगों को मारेगा, मतलब इस तरह से
इस आयन की अस्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी, इसकी अस्कंदन क्षमता सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि इस पर आवेशों की संख्या सबसे कम है। इसकी क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इस पर आवेशों की संख्या 3 है, ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से ये नियम कंप्लीट हुआ। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। दोस्तों देखिए, कक्षा 12 का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो उसको देखते हुए सारी चीजें या छोटी छोटी चीजें आप तैयार करते चलिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ लिखेंगे भी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।